हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कार न्यूज़। मेरा नाम है ऋषभ और मैं आपके लिए एक अमेजिंग अपडेट आज का लेके आया हूँ। आज हम टेस्ट ड्राइव करने वाले हैं महिंद्रा XUV300 AMT वर्जन। जी हाँ, आपने सही सुना, इसका जो ऑटोमेटेड मैनुअल ट्रांसमिशन वाला वर्जन है वो आज हम टेस्ट ड्राइव करके मैं आपको बताने वाला हूँ कि उसमें कितना फ़र्क है आपको डीजल मैनुअल में और डीजल ऑटोमेटिक में, इसकी प्राइस क्या है, साथ में इसके कौन से वेरियंट्स में आपको ये ऑटोमेटिक इंजन ऑप्शन या फिर ट्रांसमिशन ऑप्शन ऑफर की जाएगी। साथ में मैं आपको बताऊँगा कि ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ साथ इस वेरिएंट में आपको और कौन से फीचर ऐड किए गए हैं कंपनी की तरफ से, ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि सिर्फ AMT गियरबॉक्स नहीं है, उसके साथ कुछ फीचर्स भी ऐड हो रहे हैं। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें अगर आप एक XUV300 लेना चाहते हैं या फिर आप XUV300 में थोड़ा सा भी इंटरेस्ट रखते हैं। तो इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसमें आपको सिर्फ W8 और W8 ऑप्शनल वेरिएंट में ही आपको AMT ऑफर कर रही है कंपनी। आपको बता दूं कि ये अभी सिर्फ और सिर्फ डीजल वेरिएंट में अवेलेबल है, पेट्रोल में बहुत जल्दी आएगा जब BS6 नॉर्म्स थोड़े से पास होंगे। और उसके अलावा अगर मैं आपसे बात करूं तो 70,000 रुपीज़ का फ़र्क है मेरे हिसाब से, प्राइस का बहुत ज़्यादा फ़र्क आ रहा है AMT ट्रांसमिशन की वजह से, क्योंकि अब आपको मैनुअल की प्राइजेस कुछ इस तरह से, साथ में ऑटोमेटिक की प्राइजेस कुछ इस तरह से W8 और W8 ऑप्शनल दोनों में ही, जैसे कि मैंने आपको बताया कि पेट्रोल AMT बाद में आने वाली है। एक और चीज़ आपको इंपॉर्टेंट बताने वाली ये है कि ये सिर्फ पर्ल वाइट, एक्वामरीन और रेड रेंज कलर में AMT वेरिएंट्स अवेलेबल होंगे, बाकी कलर्स में नहीं, यानी कि सिल्वर में नहीं है, ब्लैक में नहीं है। तो ये जानना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। अब मैं आपसे बात करता हूँ इसके बाकी फीचर्स के बारे में जो आपको AMT के अलावा मिल जाते हैं इसमें। उसमें एक आता है किक डाउन फंक्शन। इसमें क्या है कि जब आप ओवरटेक करना चाहते हैं किसी व्हीकल को तो नॉर्मली AMTs में प्रॉब्लम आती है, इवन DCTs में, CVTs में, यानी कि ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन वाली गाड़ियों में प्रॉब्लम आती है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। जब आप ओवरटेक करना चाहते हैं गाड़ी उसे बहुत जल्दी रियलाइज़ कर लेती है और उसमें डिले नहीं आता है, बहुत ही माइनर सा डिले आता है और वो आप गाड़ी ओवरटेक कर पाती है और गियर शिफ्ट कर लेती है बहुत ही जल्दी, आपको पता भी नहीं चलता। तो मुझे कहीं ना कहीं ये चीज़ AMT वर्जन में बहुत अच्छी लगी। ये चीज़ AMT अगर हम नेक्सॉन में देखें ऑटो शिफ्ट गियर और अगर हम ब्रेजा में देखें तो ये फीचर नहीं है। इसीलिए इसमें बेटर ये है कि जब आप ओवरटेक करना चाहते हैं गाड़ी को तब आपको उसी वक्त इसकी टॉर्क, इसकी पावर मिल जाएगी, आपको उसमें डिले नहीं मिलेगा। तो ये एक कमाल की बात है। सेकंड फीचर क्रीप फंक्शन। क्रीप फंक्शन में क्या होता है कि आप बेसिकली जब आप मैं आपको आगे भी एक्सप्लेन कर दूंगा ड्राइव करते वक्त, उससे पहले आपको बता दूं कि ब्रेक के ऊपर आप पैर हटा देते तो बिना एक्सलरेट किए गाड़ी फिर भी 4-5 km/h की स्पीड पर चलती है। उसे अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा मैं आगे वीडियो में, जब हम इसकी ड्राइव लेंगे तो उसे ज़रूर देख लें। अब मैं आपको इसकी थोड़ी सी फंक्शनिंग आपको मैं दिखाना चाहूँगा अच्छे से। बेसिकली ये इसका न्यूट्रल आ जाता है, ठीक है। अब ये इसका ऑटोमेटिक और मैनुअल में अगर आपने शिफ्ट करना हो तो ये ऑटोमेटिक में शिफ्ट हो जाएगा। अगर मैं एक बार लेफ्ट करूँगा तो ये वापस अपनी लोकेशन पर आ जाता है। अगर इसी को मेरे को मैनुअल मोड पर करना तो इसको मैं फिर ऐसे मैनुअल मोड पर शिफ्ट कर सकता हूँ, फिर मैं इसको अप एंड डाउन कर सकता हूँ जिससे कि मैं अपनी गाड़ी के गियर्स को अच्छी तरह खुद कंट्रोल कर पाऊँ। ये आपके तब काम आता है जब आप बेसिकली एक रेस लगाना चाहते हो, डेफिनेटली आपके सिर्फ ये तभी काम आएगा। उसके अलावा गाड़ी अपने आप एडजस्ट कर लेती है कि आपको क्या एग्जैक्ट गियर्स चाहिए, आपने कोई स्टंट्स वगैरह करने हैं, कोई ड्रिफ्टिंग करनी है, उस टाइम पे आपको मैनुअल मोड पे शिफ्ट करना ही पड़ेगा, ऑटोमेटिक मोड आपको नहीं सूट करेगा। उसके अलावा अगर आपने रिवर्स करना है तो आपने न्यूट्रल की तरफ किया और इसको पीछे की तरफ कर दिया तो उस टाइम पे ये रिवर्स पे हो जाएगा। अभी ये इसलिए नहीं हो रहा बिकॉज मैंने ब्रेक पैडल पे प्रेस नहीं किया, नहीं तो क्रीप फंक्शन भी एक्टिवेट हो जाएगा। तो इसलिए आपको ये बताना जरूरी था कि ये न्यूट्रल, ऑटोमेटिक एंड मैनुअल, मैनुअल में गियर अप एंड डाउन और ये रिवर्स, ठीक है। अब हम वापस इसको न्यूट्रल पे कर देते हैं। ये थी इसकी सारी फंक्शनिंग आपको XUV300 की ऑटोमेटिक की। और प्लस आपको यहाँ पर नीचे की तरफ डेड पैडल मिल जाता है आपके लेफ्ट फुट को रेस्ट करने के लिए। यहाँ पर एक ब्रेक पैडल हो गया, एक एक्सेलरेशन के लिए हो गया और लेफ्ट साइड पे आपको ये डेड पैडल मिलता है आपका प्रॉपर फुट रेस्ट करने के लिए। आपको ये फुट यूज़ नहीं करना पड़ता इन जब आप इसको ड्राइव कर रहे हैं। तो अब अगर मैं आपके साथ ड्राइविंग की पूरा एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूं तो जो एक बार ऑटोमेटिक मोड में डाल दिया, ऑब्वियसली आपका लेफ्ट जो पैडल है, जो आपका पैर है, वो आपके डेड पैडल पर ही रहेगा, आप पूरी तरह से रेस्ट कर सकते हो उसके मामले में। अब जैसे आगे स्पीड ब्रेक कर रहा है तो मेरे को जस्ट ब्रेक लगानी, गियर शिफ्ट करने, डाउन करने की ज़रूरत नहीं है, एंड उसके बाद ही ऑटोमेटिकली ये सब बेसिक चीज़ें हैं AMT में इसी तरह का आता है। लेकिन मेजर क्वेश्चन आता है कि AMT में आपको झटका महसूस होता है या फिर नहीं, ये एक सबसे बड़ा एस्पेक्ट होता है। सेकंड एस्पेक्ट होता है कि आपको पिकअप कैसे मिल जाती है। तो झटके के मामले में मैं अगर आप इसको एकदम से रेस देना चाहूँगा तो उसमें थोड़ा सा डिले ऑब्वियसली आएगा ही, वो टर्बो लैग भी कह सकते हैं, और उसको डिसाइड करने में टाइम लगता है इंजन को कि एक जो पर्सन है, जो ड्राइवर है, उसको थोड़ी सी रेस चाहिए, वो ओवरटेक करना चाहता है, लेकिन डिले ये काफ़ी कम है, इस बात में कोई शक नहीं है कि डिले काफ़ी कम है। सेकेंडली अगर हम बात करें इसकी जो पिकअप के अलावा जो झटके की अगर बात करें जब गियर शिफ्ट हो रहे हैं तो काफ़ी स्मूथ एक्सपीरियंस है। AMT होने के बावजूद आपको बिल्कुल भी फील नहीं होता है कि ये गियर अब इसने चेंज कर लिया। फॉर एग्जांपल इस टाइम पे भी गियर चेंज हो रहे हैं, मुझे नहीं पता लग रहा कि इसके गियर थोड़े से भी चेंज हो रहे हैं। आई एम वेरी कंफर्टेबल ड्राइविंग द AMT वर्जन।
प्राइसिंग वगैरह मैं आपके साथ डिस्कस ऑलरेडी कर चुका हूँ, ड्राइविंग आपके साथ शेयर करना जरूरी था। अब जो सेकंड इसमें जो एक अच्छी चीज़ आती है वो आता है क्रीप फंक्शन। क्रीप फंक्शन में क्या है कि अब मैं अगर रेस पे पैर ना भी रखूँ, एक्सेलरेटर पे पैर ना भी रखूँ और सिर्फ इसको मैं ब्रेक अपनी छोड़ूंगा तो गाड़ी ऑटोमेटिकली चलती है अराउंड 4-5 किलोमीटर पर आर की जो स्पीड होती है। मेरे रेस के ऊपर बिल्कुल पैर नहीं है तो ये क्रीप फंक्शन है। इससे आपको बेनिफिट क्या है कि हर बार आपको रेस नहीं देनी पड़ेगी, आप ब्रेक छोड़ोगे गाड़ी अपने आप चलेगी। इंटरेस्टिंगली ये फीचर बंद हो जाता है जब दरवाज़ा खुल जाता है, मतलब किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आपको नहीं है कि दरवाज़ा खुलते ही ये फंक्शन बंद, गाड़ी वहीं पर रुक जाएगी। ये आपको ऑटोमेटिक पीरियड में, ये ना हो कि आप रेस नहीं दे रहे, ब्रेक पे पैर आपने छोड़ दिया है और दरवाज़ा खोला और गाड़ी फिर भी चल रही है, तो ऑब्वियसली क्रीप फंक्शन उस टाइम पर बंद हो जाएगा जब कोई भी डोर आपका ओपन होगा। उसके अलावा ब्रेक से पैर हटाओगे तो 4-5 किलोमीटर पर आर की स्पीड में गाड़ी ऑटोमेटिकली चलती रहती है। वैसे काफ़ी लाइट है, मैं उसको मैनुअल मोड पे अगर मैं इसको स्विच करना चाहूँ तो अभी मैनुअल मोड पे है, मैं इसको अपने गियर अपने अकॉर्डिंगली मैं इसमें शिफ्ट कर सकता हूँ ज़्यादा कम करने हैं तो। उसमें ऑब्वियसली अब झटका आपको फील होगा जब मैं चेंज करना चाहूँगा, लेकिन अच्छी बात यह कि आपको क्लच की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब मैं इसको वापस ऑटो मोड पे कर देता हूँ। ये बहुत ही कन्वीनियंट है इसको चलाना कि आप वापस मैनुअल पे करना चाहते हो, ज़्यादा आपको पिकअप चाहिए या आप थोड़ा सा उसमें रेसिंग मोड करना चाहते हो तो आप उस हिसाब से इसका चेंज कर सकते हो। अभी पहला गियर मैंने डाल दिया इसके बीच में, अभी दूसरा मैं डालूंगा और ये उस अकॉर्डिंगली रेस इसकी कन्वर्ट हो जाती है। लेकिन ऑटोमेटिक चलाने में ही अच्छा लगता है, नो डाउट, उस बात में कोई शक नहीं है। माइलेज एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है, मैं आपको बता दूं कि कंपनी क्लेम करती है जो नॉर्मल मैनुअल वेरिएंट है उसकी 20 km/h, और अगर आप उसको सिटी में चलाते हैं तो 18 km/h के आसपास आ जाती है। हाईवे पे 21 तक भी आई थी, डिपेंड्स अपॉन योर ड्राइविंग। लेकिन इसमें जो ऑटोमेटिक है उसमें कंपनी क्लेम करी 19.6। अब ज़्यादा फर्क नहीं है मैनुअल और इसके बीच में। अब 19.6 माइलेज के साथ आप जब इसको सिटी में चलाएंगे तो आपको कितनी माइलेज मिल जानी चाहिए ये भी मैं आपको बता देता हूँ। अब आपको अप्रॉक्सीमेटली उसी के आसपास 17.5 और 18 के बीच में आपको सिटी में इसकी माइलेज मिल जाएगी। ऑल्दो ये टेस्ट ड्राइव व्हीकल है, इसमें अभी इस टाइम पे माइलेज शो नहीं होगी, नहीं तो मैं आपको वो भी प्रॉपर दिखा देता। बाकी सारा जो मैनुअल वेरिएंट और ऑटोमेटिक वेरिएंट में किसी तरह का और कोई फ़र्क नहीं है, कोई डिज़ाइन एलिमेंट में किसी भी तरह में। मैं आपको बता दूं कि इसमें आपको सिर्फ एक अंदर की तरफ यहाँ पर मैं आपको शो करूँगा साइड पे, आपको जो साथ में ट्रैक्शन कंट्रोलर फ्रंट पार्किंग वाले सेंसर्स की जगह मिलती है, बटन्स मिलते हैं, वो मैनुअल वेरिएंट में ब्लैक कलर की है। ऑटोमेटिक में ये आपको बॉडी कलर यानी कि जो आपको डैशबोर्ड का कलर है बेज कलर का, उसके अकॉर्डिंगली आपको वो सेम मिल जाती है। बस यही थोड़ा सा फ़र्क जो मैंने नोटिस किया, उसके अलावा कोई और फ़र्क नहीं मिल रहा आपको। AMT's का ऑनेस्टली बताऊँ तो ब्रेजा और नेक्सॉन से मुझे थोड़ा सा बेटर लग रहा है, जस्ट बिकॉज इसमें एक क्रीप फंक्शन ऐड हो जाता है, एक इसमें आपको किकडाउन फीचर जो है उसका काफ़ी अच्छी तरह से काम करता है, तो विच इज़ रियली गुड। 70,000 प्राइस इसकी थोड़ी ज़्यादा है, ऑनेस्टली मेरे को लग रहा है कि हाँ ये प्राइस थोड़ी सी ज़्यादा है फॉर ऑटोमेटिक एंड मैनुअल का अगर हम डिफरेंस देखें तो। लेकिन अब आपको महिंद्रा की आपको जो बिल्ड क्वालिटी है वो सब भी आपको मिल जाती है, जो गियर बॉक्स की क्वालिटी है वो भी आपको अच्छी मिल जाती है, काफी स्मूथ गियर बॉक्स है। इस टाइम पे जो इसकी आरपीएम वगैरह आ रही है उस अकॉर्डिंगली फिफ्थ गियर इसने आप फोर्थ गियर शिफ्ट कर लिया, जैसे जैसे मैं थोड़ा स्लो होता रहता हूँ, और इसका मेन फोकस है माइलेज अच्छी लेके आना ताकि 1000 से 2000 के बीच आरपीएम रखी जाए और माइलेज उस टाइम पे बेस्ट आएगी। अब जैसे ही अगर मैं रोकना चाहता हूँ तो इसने फटाफट अपने गियर्स वापस वन पे कर दिए। नाउ अब दिस इज ऑन क्रीप फंक्शन। अब मैंने ब्रेक अगर छोड़ूंगा तो गाड़ी आगे जाएगी, बट आई वुड गो फॉर द न्यूट्रल ताकि, क्योंकि अब मेरे रेड लाइट है, आई नीड टू स्टॉप हियर। तो ये था मेरी तरफ से XUV300 का डिटेल्ड AMT वर्जन का टेस्ट ड्राइव और साथ में उसका रिव्यू भी। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। सॉरी थोड़ा बहुत शोर इधर उधर आ रहा है रोड पर, लेकिन आपको ये वीडियो पसंद आनी चाहिए। अगर आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हम बहुत सारी मेहनत कर रहे हैं। साथ में इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए, क्योंकि मैं आपके लिए रोजाना इसी तरह की लेटेस्ट कार्स की न्यूज़ ऑफर्स टेस्ट ड्राइव और एक्सेसरीज लाता ही रहता हूँ, तो उन्हें देखने के लिए बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें। चलिए अब अगली वीडियो में मिलते हैं, थैंक यू।